वैसे पापा आज आप बहुत हैंडसम लग रहे हो। क्या चाहिए? तारीफ हजम नहीं होती है आपको। अरे पिछली बार जब मैं हैंडसम लगा था ना, 40,000 का फोन खरीद के देना पड़ा था। इसका क्रेडिट जाता है जी जिंदगी एंड ऑफ कोर्स जो जितने भी हमारे जो प्रोड्यूसर हजरात हैं जिन्होंने जी जिंदगी को ड्रामे बेचे थे, उधर ड्रामे देखे जा रहे थे हमारे, और इत्तेफाक से मेरे कुछ ज़्यादा ही चले उधर ड्रामे। मैं एक पाकिज़ा एक सीरियल कर रहा था कराची में, मुझे आसिफ साहब होते हैं जो यूएसए में रहते हैं, वो बोनी कपूर के बहुत अच्छे दोस्त हैं। अब देखें कड़ियाँ कैसे जुड़ती हैं। हसीब हसन उनके दोस्त हैं आसिफ के, मैं आसिफ को कहीं से नहीं जानता था। हसीब का मुझे फ़ोन आया सेट पे कि भाई वो बोनी कपूर की एक फ़िल्म है और आसिफ साहब तुमको फ़ोन करेंगे जो मेरे दोस्त हैं, वो उनके भी दोस्त हैं, वो तुम्हें कास्ट करना चाह रहे हैं। तो पहले भी मुझे भारत से ऑफ़र आई हुई थी फिल्म्स की, तो मैंने उस वक्त कह दिया था कि भाई मैं बात करने के लिए मैं आई एम ऑल ओपन, मगर मैं अपने जो मेयार है उसको ख़राब नहीं करूँगा। इफ़ आई कैन प्रूव माई मेटल ओवर देयर देन डेफिनेटली आई वुड लव टू गो देयर एंड आई वॉन्ट टू वर्क इन एन इंडियन इंडस्ट्री, अदरवाइज इफ़ आई एम अ फिलर आई डोंट वॉन्ट टू गो देयर। तो मेरी रवि जो उनके डायरेक्टर हैं और उनके जो राइटर हैं गिरीश, तो उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने मुझे रोल समझाया, उन्होंने मुझे बताया श्रीदेवी हैं इसके अंदर और बोनी कपूर साहब की प्रोडक्शन है, मुझे पसंद आया, सजल थी उसमें ऑलरेडी पहले से, एंड सजल को मैंने किसी को नहीं बताया कि ये मैं करने जा रहा हूँ। वो मुझे जहाज़ में सजल को शायद पता हो कि भाई मैं भी और वो साथ ही एक ही फिल्म में काम कर रहे हैं। क्यों नहीं बताया आपने? कोई डर था आपको कि रिस्पांस आएगा नेगेटिव? मुझे ऐसा लगा कि जो पहले जो मेरे जो एक मैंने फिल्म की थी करने जा रहा था वो थी मर्दानी, इसके अंदर रानी मुखर्जी की, उसके अंदर मेन विलन का किरदार था मेरा, मगर जब उन्होंने वो चेंज करके पुलिस वाला किया, वो यशराज फिल्म्स की थी, मैंने मना कर दिया मुझे नहीं करनी। फिर तो जिसम ट्यूब मुझे ऑफर हुई थी वो मैंने मना कर दी, तो इस किस्म से पहले भी मुझे ऑफर्स आ चुकी थी। और मेरा ये मानना है जब तक हो नहीं जाए जब तक ना बताओ, क्योंकि उसकी तस्दीक करना ज़्यादा आसान होता है कि जब काम हो जाए। तो आई वॉज जस्ट वेटिंग फॉर द राइट टाइम टू टेल पीपल एंड देन अगेन व्हेन आई वेंट देयर एंड आई वांटेड टू से समथिंग अपने सोशल मीडिया पे, तो मुझे बोनी साहब ने मना कर दिया कि हालात कुछ ऐसे हैं कि मैं भी नहीं चाह रहा हूँ कि आप लोग अभी मार्केट करें, हम इसको अच्छी तरीके से मार्केट करेंगे। मुझे क्या पता था, किसी को क्या पता था कि ऐसे हालात हो जाएंगे कि हम जा भी नहीं पाएंगे प्रमोशंस के लिए, बट ठीक है वो उनकी फिल्म है। आपके कुछ खदशात थे फिल्म शूट करने से पहले, वहाँ पहुँच के क्या वो खदशात दूर हुए? कैसा था एक लीडिंग लेडी वो भी श्रीदेवी के साथ काम करना, उनके साथ स्क्रीन स्पेस शेयर करना? देखिए एक प्रेशर तो था, श्रीदेवी हमारी तो मुझे तो बहुत पसंद है, उनकी मैंने बड़ी फिल्में देखी हैं, क्रश भी रहा है उन पर, तो ऑफकोर्स आप जिस पे क्रश रहा हो उसके साथ काम कर रहे हो तो वैसे ही आप स्टार स्टक तो हो जाते हैं। बड़े तरीके से संभाला भी इस बात को मैंने कि फील ना होने दूं, बट मैं आपको बता दूं अदाकार तो शायद वो बाद में बनी होंगी, पहले इंसान बहुत खूबसूरत है, जितनी इज्जत हम्बल ह्यूमैनिटी के साथ वो बात करती हैं और जितनी इज्जत देती हैं वो एक कमाल था, पूरी टीम का बहुत बड़ा कमाल था उसके अंदर। बोनी साहब एक मेरे ख्याल में कंप्लीट प्रोड्यूसर की अगर मुझे पहचान करवानी हो तो मैं दिखा सकता हूँ बोनी साहब हैं वो, क्योंकि वो ख़ुद खाने के बड़े शौकीन हैं, तो खाना भी बड़ा ज़बरदस्त आता था, और जब खाना आता था बोनी साहब जिस तरीके से बच्चों की तरह खाने को देखते थे और मुँह में उनके पानी आ रहा होता था और उनका बस नहीं चल रहा होता था कि सब बैठे या ना बैठे मैं शुरू कर दूं खाना, और एक आदमी खाने का शौकीन होता है साथ साथ खिलाने के भी बहुत शौकीन है। तो कितने दिनों की आपकी शूट थी और कहाँ कहाँ कौन कौन से मुल्कों में आप लोगों ने की? देखा जाए लगभग तो ये दो महीने का एक दो या ढाई महीने का स्पेल था जिसमें हम दिल्ली में थे, मुंबई में थे और जॉर्जिया उधर थे रशिया में, और वजह उसकी ये थी क्योंकि बर्फ़ शूट करनी थी और जून जुलाई में हम काम कर रहे थे और कहीं बर्फ़ थी नहीं, तो बर्फ़ एक ही जगह मिल रही थी वो भी कहीं पहाड़ियों की चोटियों पे जाके, तो हम उन्होंने बड़ी मेहनत की है इस पर और यकीनन हमने भी बड़ी मेहनत की है।
एंड बड़ा मज़ा आया. आप सजल का काम देखेंगी आप. आई कैन प्राउडली अनाउंस दैट कि सजल ने कमाल का अदाकारी की है. जो उसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है उसने बिल्कुल वही किया है. कहानी बेसिकली माँ और बेटी की है. एंड ऑफ कोर्स जब आप देखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि सब ने बड़ी मेहनत की है. नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब क्या कमाल के अदाकार के साथ साथ भाई इंसान भी बहुत थे. अभी मनयू सिंह जो उसके अंदर विलन है वो भी बहुत ज़बरदस्त. मेरी बड़ी अच्छी उनसे दोस्ती हो गई. फिर गिरीश राइटर, फिर रवि डायरेक्टर, फिर क्या कहते हैं अक्षय खन्ना. मतलब ऑल एक बड़ी कंप्लीट टीम थी. यकीनन बहुत दिलचस्प रही होगी शूटिंग. कोई ऐसा वाकया है रहमान का उसमें? अब वाकया तो ऐसे ऐसे हैं कि आपको क्या बताऊं मैं. कि फिल्म के हवाले से सेट पे तो ये होता था कि हमारे लिए पहला था ये मौका. तो जब उनका पहला दिन था शूटिंग का तो वो उनकी एक पूजा होती है. वो मैंने ज़िंदगी में कभी लाइव पूजा देखी थी, मुझे पता भी नहीं था. अब मुझे, मैं और सजल दोनों खड़े हुए हैं तो वो सेट पे ही हो रहा था. तो मैं जूते पहना हुआ था तो मुझे एक साहब ने इशारे से कहा जूते उतार दे. मैंने उतार दिए और सजल मैं एक दूसरे को देख रहे हैं. अब यूँ करें या यूँ करें मुझे ये नहीं समझ आ रहा. तो मैं पहले मैं यूँ कर रहा था, फिर मैंने कहा नहीं यार सब ने यूँ किया तो फिर मैंने यूँ कर लिया. तो मैं इसमें फंस के रह गया था. तो एक बड़ा उस पर सजल को हंसी भी आ रही थी तो उसने यूँ करके हंसने भी लगी थी. तो मैं उसको मना भी कर रहा था यार मत करो, पहला दिन है आज. तो यकीनन ऐसी सिचुएशन में जब आप फिल्म को प्रमोट नहीं कर पा रहे तो आपको कुछ ना कुछ अफसोस हो रहा होगा. क्योंकि माहिरा ने भी जब शाहरुख खान के साथ रईस में काम किया उनकी भी ख्वाहिश थी कि वो फिल्म को प्रमोट कर सकें, लेकिन दोनों मुल्कों के दरमियान हालात साजगार नहीं थे. अब आप भी फिल्म प्रमोट नहीं कर पा रहे तो आपके क्या जज्बात हैं? आई नो एक अफसोस तो होता है कि अभी जब ट्रेलर लॉन्च हुआ तो उधर सारी कास्ट थी और मैं सबको देख रहा था. एंड आपकी तवज्जो से मैं बोनी साहब का, श्रीदेवी साहब का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ. उन्होंने नाम लिया, हमारे काम की तारीफ़ की. और टीम होती है, मिस तो करते हैं कि वो सब बैठे हुए और हम दोनों नहीं हैं. फिर यही होता है, दिमाग में आता है कि काश हालात सही होते तो हम भी उधर होते, साथ बैठते, बातें करते, फिल्म के बारे में बातें करते. नॉट ओनली दैट, फिर बाहर प्रमोशंस होती हैं तो वो हो नहीं पाया. इतने साल आपने पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में काम किया है, अब आप भारत से काम करके आए हैं. कोई ऐसी चीज़ आपने जो वहाँ से सीखी आप यहाँ अप्लाई करना चाहें? कोई पॉजिटिव चीज़ जो वहाँ से लर्निंग हुई हो? वहाँ टाइम का बड़ा ख्याल रखा जाता है. एक शिफ्ट जो शुरू होती है तो उसकी वैल्यू बड़ी होती है कि इस टाइम पर काम शुरू होगा. डेडिकेशन बहुत है. ये तो एक काम के हवाले से बात होगी. दूसरा जो एक जो इन्वायरमेंट होता है ना वो बहुत अच्छा होना चाहिए सेट का. जब सेट का इन्वायरमेंट अच्छा होता है तो काम भी अच्छा होता है. तो जब काम अच्छा होगा तो नज़र आएगा, नज़र आएगा तो आप भी तारीफ़ करेंगे, मैं भी तारीफ़ करूँगा. डेफिनेटली. जब से मॉम का ट्रेलर लॉन्च हुआ है आई एम श्योर आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया होगा. क्या कोई और बॉलीवुड से फिल्म ऑफर्स भी आई? कोई ड्रामा ऑफर्स आई? अभी तो कहना कब्ज़ुल वक्त होगा, मगर जब मैं था उधर तो आवाज़ें आ रही थी कि दे वॉन्ट टू कास्ट मी. मेरा ऑडिशन भी हुआ था एक फिल्म, आमिर खान की एक फिल्म थी, सीक्रेट रॉक स्टार या सीक्रेट रॉक स्टार जिसके अंदर गिटार, तो वो वाला एक. तो बड़े ऑडिशंस हो रहे थे इस दौरान मेरे उधर और मुझे ऐसा लग रहा था कि फिल्में और मिलेंगी, मगर इन हालात में तो मुझे नहीं लगता कि वहाँ से कोई ऑफर आएगी. या आपकी क्या तवक्कुआत हैं इस फिल्म से? क्या दोनों तरफ से वही अप्रिसिएशन मिलेगी और क्या ऑडियंस पसंद करेगी इस फिल्म को? क्यों ऑडियंस को इस फिल्म को देखने आना चाहिए? देखिए एक तो सस्पेंस ड्रामा थ्रिलर है ये. तो जब आप, मैं आपको खुल के तो नहीं बता पाऊँगा मगर मैं ये बता पाऊँगा कि पहली बात तो पाकिस्तानी इसलिए देखें क्योंकि सजल हैं उसमें, मैं हूँ, और फिर बताएं कि कैसा है रिस्पॉन्स, जो मुझे यकीन है कि देखेंगे. और दूसरी चीज़, कहानी अच्छी है. एक माँ की, एक बेटी की, और फिर एक बाप उसमें कैसे इन्वॉल्व हुआ है जो दूसरी शादी कर चुका है, मतलब
श्री देवी मेरी दूसरी, उनकी दूसरी शादी है, सजल मेरी बेटी है और वो उनकी स्टेप डॉटर है, तो वो उसको कैसे जेलन करते हैं, उसको वो अपने आप को कैसे मनवाती है कि मैं माँ हूँ, तो आप देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा। राइट, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फिल्म।